नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराज शर्मा। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। शिक्षा विभाग बासोदा विकास खंड के तहत कई स्कूलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आया है। गंज बासोदा में करीब 14 से 15 ऑपरेटर रखे गए हैं, जबकि अधिक ऑपरेटर्स की नियुक्तियाँ हुई हैं। इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी एस के त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। नियुक्ति करने के मामले पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की बात आप कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति अभी मुझे ये जानकारी में नहीं आ पाई है कि कितनी नियुक्तियाँ हो गई हैं। मैं उसका परीक्षण कराऊँगा और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग से लिए गए हैं किसी न किसी कंपनी से होंगे, उस कंपनी का भी मैं परीक्षण कराऊंगा कि उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है। अगर उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी नहीं होगी और जो बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त हुए हैं उनको यदि कंप्यूटर चलाना ना आता होगा तो उन्हें पद